Good morning. Welcome to speedanning.in. We are discussing very important trading tricks today. आज हम बहुत बहुत खास बातें ट्रेडिंग के बारे में बड़ी बारीक बारीक सी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला रूल, हमेशा रेड में खरीदें, ब्लू में बेचें. जब भी आप लोग बाइंग करने जाते हैं तो आपको रेड एंड ब्लू का सिलसिला नज़र आता है. तो सपोज कोई चीज़, कोई प्राइस ऐसे चल रही है सिल्वर का 47,300, 310, फिर आपने देखा हल्का सा रेड हुआ 300, 290, 280, तो जब वो रेड कलर में आ रहा है तब बाय करें. तो और जब बेचने की बात होती है तो हल्का सा ब्लू में जब जा रहा है तब सेल करें. तो रेड में खरीदें, ब्लू में बेचें, ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके. तो थोड़ा सा डिफेंसिव बाइंग अगर करते हैं तो हमेशा चार्ट खोल के देख लीजिए और नीचे का जो नियरेस्ट लेवल दिख रहा है आपको वहाँ की बाइंग लगा के रखिए और उससे निचला जो लेवल है वो स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए. सेकेंड, विद इन एवरी 10 मिनट्स यू जस्ट कीप चेकिंग अल्टर F6. अल्टर F6 से अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड चेक करते रहें. इसमें आपको M2M नज़र आ रहा है और वो M2M देख के आप फटाफट डिसीजन ले लेने वाले हैं कि ठीक है मुझे क्या करना है. यहाँ M2M देखा आपने और आपको दिख रहा है कि 1500 या 3000 प्रॉफिट है, तो यहीं से सिलेक्ट करके F2 करके और यहीं से भेज दीजिए, ताकि आपको ना तो कभी क्वांटिटी की गड़बड़ होगी ना डिसीजन मेकिंग में परेशानी होगी. एक चीज़ आपको सीखनी होगी, इस मार्केट में बहुत तेज़ी से प्रॉफिट लॉसेस बदलते रहते हैं. तो अगर आप कई बार मैंने देखा नए नए लोग आ रहे हैं, उनको देखा यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट है और जैसे वो बेचने जा रहे हैं इतने में देखा उन्होंने 2420 रह गया, फिर वो सोच रहे हैं थोड़ा सा वो 2200 रुपये का प्रॉफिट रह गया, तो फिर वो उनको लगता है अरे 300 रुपये कम हो गए, वो बेचने में लेट हो जाते हैं, पूरा प्रॉफिट चला जाता है. तो 2500 और 2200 एक ही बात है, आप यहाँ फटाफट सिलेक्ट करके बेच दीजिए. अनुभव ये कहता है कि एक बार अगर प्रॉफिट देख के आप तो सेटिस्फेक्शन का लेवल आया और अंदर से बात आई, बेचने का पहली आवाज़ निकली, फटाफट बेच डालो. बेच के पछताना अच्छा है नहीं बेच के पछताने से. बड़ा वॉल्यूम जब भी आप खरीदें तो मार्केट प्राइस पे मत खरीदें. दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर. लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस डिफाइन करते हैं, मार्केट ऑर्डर में आप F1 में प्राइस ही डिफाइन नहीं कर रहे हैं, प्राइस को मिटा दिया आपने या मार्केट सिलेक्ट कर लिया, तो जो मार्केट प्राइस चल रही है बेस्ट सबसे ऊंची उस पर आपको मिल जाएगा. तो बड़ा वॉल्यूम कभी मार्केट प्राइस से मत खरीदे. कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे ऑप्शन में कॉल या पुट की खरीदी में गैप होती है, ऐसा दिख रहा है कि बाइंग 40 रुपीज़ का दिख रहा है, सेलिंग 45 रुपीज़ का दिख रहा है, तो इतनी बड़ी गैप है 45 की बाइंग 40 की सेलिंग कि आप अभी बाय करेंगे 45 में और तत्काल 10 सेकंड में बेचेंगे तो आपको 5 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा. तो हमेशा इस गैप को चेक करें और जब भी कोई बड़ा वॉल्यूम बाय करें तो नीचे की बाइंग प्राइस दे के बाय करें. ठीक है, तो आपने लिमिट प्राइस दे रखी है, अगर कम क्वांटिटी आ गई या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में जरा सा फर्क आ जाता है 1 पॉइंट का भी तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. पार्शियल टेक्निक में अच्छा, बड़ा वॉल्यूम जब आप कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से उसको वॉल्यूम को बुक कर रहे हैं, करते रहे हैं टुकड़े टुकड़े में. सपोज़ आपने 5000 शेयर्स खरीद लिए तो एकदम से आपने देखा कि चीज़ें बढ़ी है, 50 पैसा पड़ गया तो आप 2500 से 3000 शेयर बेच दीजिए ताकि आपका लोड खत्म हो गया. अब आपके पास 2500 से 3000 रुपये तो प्रॉफिट के आ चुके हैं, तो बचे हुए 2000 शेयर अगर 1 रुपये नीचे भी चले जाएंगे तब भी आप फायदे में रहेंगे, माइनस में चले जाए तब भी आप नुकसान में नहीं जाएंगे. फिर छोटी क्वांटिटी पे बड़ा मार्जिन लेने का समझदारी दिखाएं कि अब ये जो 1000 स्टॉक्स हैं ये अगर 3 रुपये ऊपर भी बेचूँ तो चलेगा. ऐसे कुल मिला के आप बढ़ते बढ़ते में अपनी अगर प्रॉफिट बुक करते रहें तो बहुत अच्छे से आप काम कर पाएंगे. लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो जब टुकड़े टुकड़े में माल बेचते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कितना बेचा कितना रखा हुआ है. तो हमेशा अल्टर फिक्स करके देखते रहें और जब सौदा हो गया तो एफएट में आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कितना बिक गया कितना पेंडिंग है, नहीं तो यहीं से सारा पता लग जाने वाला है. और वो अल्टर F6 को बार बार FI करके रिफ्रेश करके भी देखते रहें. पार्शियल टेक्निक में टुकड़े टुकड़े में, पार्शियल टेक्निक मतलब आपको लग रहा है कि चीज़ें गिर गिर के नीचे आ रही है, तो पार्शियल टेक्निक में ऐसा हुआ कि 1% पे आपने बाइंग ऑर्डर लगा रखा है, 3% पे, 5% पे, 7% पे और वहाँ 2-2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रखा है.
तो टुकड़े टुकड़े में चीज़ें आ रही है और वहीं से पलट गई तो आप प्रॉफिट में आ गए, नहीं पलटी तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस चला गया, फिर अगले लेवल पे आई, वहाँ स्टॉप लॉस नहीं गया, वहाँ से पलट गई तो प्रॉफिट हो गया, नहीं तो निचले लेवल पे गई, वहाँ पे बाइंग हुई, फाइनली आप कमा के बाहर आ सकते हैं। कम से कम आधी क्वांटिटी पे अगर आपने 1000 शेयर खरीद रखे हैं, या समझो 30 kg सिल्वर की बजाय 6 मिनी लॉट्स खरीद रखे हैं, तो 6 मिनी लॉट बेटर है, क्योंकि आप उसमें से 3 मिनी लॉट्स पे कम से कम आधी क्वांटिटी पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं, और अगर बॉटम में नीचे चले जाए तो फिर से खरीद के प्राइस को अच्छा एवरेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। आपको सीखना यही है कि स्टॉप लॉस कितने जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ध्यान ही मत दो, अमाउंट कितना जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और ब्रोकरेज रेट्स कम से कम मिले ऐसे ब्रोकर की तलाश कीजिए जो कि पॉसिबल है बहुत आसानी से। कैश टेक्निक, सबसे स्ट्रांग शेयर में हाई के ऊपर बाइंग ऑर्डर लगा दिया और सबसे वीक शेयर में लो के नीचे सेलिंग ऑर्डर लगा दिया, तो इस तरह की चीज़ें तो आप अगर स्क्रीन पे छोड़ के भी चले जाएं तो इसके चांसेस हैं कि आप बाद में आके अच्छा प्रॉफिट देख लें। जब कोई शेयर तेज़ी से गिरने लगे, आपने देखा आपने कोई बाइंग कर ली है, आपने ऐसे बाइंग की है कि कोई शेयर आपने 300 रुपीज़ पर परचेस कर लिया, अब 295 का आपका स्टॉप लॉस है, अब 300 से वो गिरते गिरते 299, 98, 97 हो रहा है, तो पहले आप सेल कर दीजिए 97, 98 पे, उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर को चेंज कीजिए। लेकिन अगर वो 96 आ गया और स्टॉप लॉस 95 पे है, तब मैं कहूँगा पहले स्टॉप लॉस चेंज कीजिए बाद में बेचिए, नहीं तो डबल बिक जाएगा। आप 96 पे बेच के जैसे ही स्टॉप लॉस हटाने आएंगे हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, तो अपना विवेक से जब जैसा माहौल हो, पहले 99 पे पहले बेचने को इसलिए कहा मैंने कि अभी तो स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है 95 पे है, तो 99 का 98 बिके तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो पहले तेजी से वो काम करो जो पहले ज़रूरी है। जब कोई शेयर तेजी से गिरने लगे सौदा बाद में बदलें, पहले बाइंग सेलिंग कर लें, सारे यूजलेस ऑर्डर बीच बीच में हटाते रहें। यूजलेस ऑर्डर्स देखने के लिए आपकी आदत होनी चाहिए हर 5-10 मिनट में F3 करके चेक करो, तो आपके सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एक किसी ट्रेडर को इस बात से कि उसके कई सारे पेंडिंग ऑर्डर लगे रह जाते हैं, उसको ध्यान ही नहीं रहता और वो डबल डबल सौदे हो जाते हैं, तो इसलिए आप बीच बीच में अपने सारे पेंडिंग ऑर्डर देखते रहें, उनको डिलीट करते रहें, या आपको लग रहा है क्वांटिटी ज़्यादा है चेंज कर दो, फिर समय मिलने पर छोटे छोटे प्रयोग करते रहें और क्लाइंट्स को इसके बारे में समझाते रहें। अगर आप सब ब्रोकर हैं, आपके पास 4 क्लाइंट बेचे हैं, तो आपने 5-5, 10-10 शेयर में प्रयोग कर करके क्लाइंट को समझाया, देखो ये टेक्निक क्या रिजल्ट आते हैं, प्रयोग चल रहे हैं पूरे दिन, ना तो आप बोर हो रहे हैं, ना आप वहाँ पर गेमलिंग या सट्टेबाजी कर रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे प्रयोग करके सीख भी रहे हैं और आगे का नया रास्ता, एक नया सिस्टम डेवलप करते जा रहे हैं। फिर हैवी वॉल्यूम वाले कॉल पुट में, ज़्यादा मूवमेंट वाले स्ट्रांग निफ्टी शेयर्स में बहुत नीचे के बाइंग ऑर्डर लगा के रखते हैं, गिरावट के बाद रिकवरी में ऊपर बिक सकते हैं। ये एक ऐसी तरीका बता रहा हूँ, बॉटम फिशिंग वाली टेक्निक होगी कि आप रोज आते हो और 5%, 8% नीचे कहीं बाइंग ऑर्डर लगा के रख देते हो और रोज कुछ नहीं लगा रह जाता है ऑर्डर, और अपने आप बाजार बंद होने के बाद अपने आप कैंसिल हो जाता है, लेकिन महीने में 3 या 4 दिन ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कुछ ऐसे रेट पे आ जाता है कि बाइंग हो गई और एकदम से वहाँ से बाउंस किया कि आपको बैठे बैठे पैसा मिल गया। अगर ऐसा महीने में 3-4 बार भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपया मिल जाए तो आदमी 15-20 हज़ार रुपया बना सकता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है आदमी को हमाली की आदत है, लगातार लगा रहता है, खरीदो बेचो, क्या करो, क्योंकि आप उस तरह की दुनिया से आए हैं, बाहर आपने जो देखा है आराम हराम है, लेकिन ट्रेडिंग में आराम हराम नहीं है। BTST के लिए एवरेज से ऊपर बंद होते हैं, स्ट्रांग शेयर की डिलीवरी ले अगले दिन खुलते ही देखते। एक होता है बदला का कारोबार, इस पर डिटेल में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन कोई चीज़ अचानक से उसमें रिकवरी आई है, एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है, बायर्स बढ़ गए हैं, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो आप उसको बंद होते होते खरीद लें और अगले दिन जैसे ही खुले ऊपर बेच दें, लेकिन इसके लिए आपके ब्रोकरेज के रेट कम होना चाहिए। हर क्लाइंट को कम से कम 2 सौदे ज़रूर लगाए छोटी मात्रा में, मतलब आप अगर सब ब्रोकर है, आपके पास 10 क्लाइंट है, तो हर क्लाइंट के छोटे छोटे सौदे तो लगाने ही चाहिए। स्टॉक सेक्टर का जो स्क्रिप्ट है कमोडिटी या स्टॉक मार्केट में, एक में बाइंग स्टॉप लॉस के साथ, दूसरे में सेलिंग सबसे कमज़ोर में स्टॉप लॉस के साथ, और बाजार बंद होने के ठीक पहले F3 करके आपने सारे पेंडिंग ऑर्डर देखे, वो ठीक पहले मतलब 3:30 पे स्टॉक मार्केट बंद हो रहा है,
ये 11:30 पे कमोडिटी मार्केट बंद कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3:29 की। 3:29 पे अगर आप एक एक करके हटाने गए तो गड़बड़ हो जाएगी, आप आधे सौदे भी नहीं हटा पाएंगे। और ऐसे में अचानक से प्राइस चेंज हुआ और बाजार बंद होते होते आपकी ज़्यादा सेलिंग हो गई तो फिर वो ऑप्शन में चला जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा सीधा कैंसिल आल करके सारी चीज़ों सारे ऑर्डर एक साथ कैंसिल किए जा सकते हैं। अपर सर्किट जब लगता है स्टॉक मार्केट में तो वो सर्किट्स होते हैं 5% पे, 10% या 20% के लिमिट पे। तो सर्किट पे आपने बाइंग ऑर्डर लगा के रखा, आपने देखा कोई चीज़ 17% बढ़ गई है, 20 पे जाके सर्किट हो जाएगी, तो 20% पे बाइंग ऑर्डर लगा के रखा। जैसे ही वो 20% पे बाइंग हुई और सर्किट लग गया, अब बाइंग बैन हो चुकी है, अब वो सर्किट हो सकता है अगले दिन खुले, तो अगले दिन वो चीज़ गैप अप खुलेगी। तो कई सारे लोगों ने तो सर्किट का ही पूरा व्यवसाय किया, कि जो भी 4-5 शेयर सर्किट लगने वाला ऐसी संभावना है, पक्का है तो पता नहीं, तो 4-5 में सब में सर्किट पे ऑर्डर लगा के लगा दिया, एक या दो में वो सर्किट लग गया और वो चीज़ उनको मिल गई, अगले दिन उन्होंने ऊपर वो 2-3% ऊपर खुली वहीं पे बेच दिया, तो आराम से 1-1.5% का मुनाफा ब्रोकरेज काट के जेब में बच गया। इस तरह का कारोबार करने वाले भी कई सारे लोग थे, लेकिन ये काम हमेशा छोटी क्वांटिटी पे करें, उसकी सफलता को 2 या 3 महीने तक अच्छे से नापें, और जब आप गलतियां करना छोड़ दें तब उसका पैमाना थोड़ा सा बढ़ाएं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने पे सर्किट का खेल नहीं करना, क्योंकि कई बार अपर सर्किट पे कोई मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर है और वो बेकार सा शेयर हो सकता है अगले दिन लोअर सर्किट पे खुल जाए, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। बाजार आप स्पीड की परेशानी में, इंटरनेट की स्पीड को लेकर हर आदमी, मतलब जहाँ जहाँ उसको काम की चीज़ों पे खर्च करना चाहिए वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मुट्ठी पकड़ के पैसा बचाता रहता है। तो एक बात मैं हमेशा से अपने सेमिनार्स में कहता आया हूँ कि गरीब आदमी हमेशा पैसा बचाने में लगा रहता है, अमीर आदमी हमेशा समय बचाने में लगा रहता है। समय बचाने के लिए पैसा खर्च करता है अमीर आदमी, गरीब आदमी पैसा बचाने के लिए समय बर्बाद करता है और वो अपनी गरीबी को बिल्कुल अपनी किस्मत बना लेता है। तो आपको यहाँ ये चीज़ समझनी है कि नेट की स्पीड अगर 1,000 रुपये महीना भी खर्च करो तो आप डेफिनेटली 5,000 रुपये ज़्यादा कमाओगे। तो स्पीड की परेशानी अगर चल रही है आपकी, ब्रॉडबैंड की स्पीड खराब है और आप देखते हैं बीच बीच में स्क्रीन अटक जाती है, तो उस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि शेयर में मूवमेंट नहीं हुआ, और जैसे ही आपने बाइंग लगाई मार्केट प्राइस पे खरीदा तो जो शेयर आपको 2,550 रुपये का स्क्रीन पे दिख रहा था उसकी बाइंग हुई 2,580 रुपये पे, 30 रुपये ऊपर, क्योंकि अचानक से मूवमेंट आ चुका है, आपकी स्क्रीन अटकी हुई थी। ऐसे में एक एक शेयर की खरीदी बिक्री करके आप चेक करें, और जब आपको पता लगे कि अच्छा इस रेट पे ट्रेड हो रहा है, उस हिसाब से फिर अपनी क्वांटिटी डिसाइड करें। अपर सर्किट के करीब बताया मैंने कि सर्किट पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसे लोअर सर्किट में सर्किट के लेवल पे सेलिंग करके भी काम कर सकते हैं। और बाकी कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, एक कॉल या पुट का कॉम्बिनेशन, एक कॉल एक पुट, या निफ्टी शॉर्ट कर रखी तो कॉल खरीद रखा है, निफ्टी लॉन्ग कर रखी तो पुट खरीद रखा है, ऐसे कई सेफ कॉम्बिनेशन है, वो ज़रूर काम करवाएं क्लाइंट्स को भी अगर आप एक सब ब्रोकर हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल सेफ रहे, उनको लगातार 0.5% डेली मिले तो साल का 100% आप दिला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात, आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। लेकिन ऐसे सिस्टम बनाते बनाते उनको अप्लाई करके टेस्ट करते करते आपको 3 से 6 महीने लग सकते हो, यही तसल्ली, ये पेशेंस आपको सीखना है। ये सारी ट्रेडिंग टिप्स मैंने स्पेशली आपके साथ डिस्कस की, आप और आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।